नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लॉज, जो हमारा क्लॉज केवल होता है वो उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों जाइएगा तो क्लॉज केवल का पोजीशन यहाँ पर आता है, क्लॉज के तार के हिसाब से। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से प्रेस करते हैं क्लॉज के तार, तो देखिए यहाँ पर प्रेस हमारा हो जाता है। तो इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे और इसमें डालना है न्यू और कौन सा केबल आप डाल सकते हैं, तो चलिए दोस्तों बिना समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस नट को लूज कीजिए ऊपर एंड नीचे वाले को, ठीक है दोस्तों। लूज करने के बाद में दोस्तों पूरी लूज कर दीजिए, जितना लूज हो पाए उतना ही। चलिए दोस्तों, इसको लूज करने के बाद में इसको देखिए बिल्कुल, अगर यहाँ से आप निकालिएगा लूज करने के बाद में, तो ये आसानी पूर्वक है, क्या होगा दोस्तों ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर निकालिएगा तो बिल्कुल आसानी पूर्वक ये निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए सिंगल हैंड से थोड़ा सा निकालने में टॉप हो रहा है कि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में से काम कर रहे हैं, इसलिए टॉप हो रहा है। और इस तरह से आप इस केबल को यहाँ से साइड से आप निकाल सकते हैं और इस तरह से देखिए दोस्तों, में इसमें बिल्कुल कंपनी का फिटेड केबल है, जो इसी को हम फिट करेंगे और कौन से केबल किस पार्ट नंबर से आता है इस पर लिखा होगा तो भी समझेंगे। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं इस तरह से, देखिए एक जो केबल है वो इस तरह से हमारा आ जाता है इस साइड से और इस साइड से यहाँ पर आता है, यहाँ पे देखिए जो केबल है देखिए यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेस कर लेंगे थोड़ी सी धीरे से निकाल लेते हैं इस तरह से, आप निकाल सकते हैं देखिए यहाँ से। देखिए दोस्तों कहीं पे फंस जा रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर फंसने का जगह रहता है थोड़ी सी, हो सकता है तो निकालते समय फंस जाएगा, तो ध्यान पूर्वक ही निकाले। देखिए दोस्तों हमारा क्या होगा, जो एक केबल है देखिए दोस्तों, एक केबल हमने यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से निकालने के बाद में दोस्तों यहाँ इस तरफ आइएगा और इस तरफ को आने के बाद दोस्तों इसको अब यहाँ से प्रेस करके और प्रेस करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से निकालिएगा बाहर और इस तरह से जैसे निकाल रहे हैं उससे निकालिएगा दोस्तों इसमें। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कट बना हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है एक लीवर में कट बना हुआ है और यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है दोस्तों। अगर क्लॉज यहाँ से टूट जाता है और इस तरह से आप बाहर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल देखिए ये एच एफ डिलक्स का क्लॉज केबल है, इस तरह से आप बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसको पार्ट नंबर हम देख लेते हैं, कंपनी का फिटेड है दोस्तों, इसमें देखते हैं पार्ट नंबर कहाँ लिखा हुआ है, आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कहीं पर अगर है तो, देखिए दोस्तों यहाँ पे है पार्ट नंबर KWA 910 छठा महीना 2019 का है क्लॉच केबल है ये, आप KWA के नाम से आप ले सकते हैं, जो पार्ट नंबर सेम रहेगा लेकिन 509 से 10 रहेगा लास्ट में दोस्तों। हम क्लच केबल का भी अनबॉक्सिंग करेंगे तो वीडियो पर बने रहिएगा, कैसा रहता है कितने प्राइस वगैरह है क्लच केबल हम अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों। ये अगर मान लीजिए अगर आप मिंडा में लगा रहे हैं तो मिंडा का क्लच केबल अनबॉक्सिंग किए हैं, जो एच एफ डिलक्स का खुद का आता है एच एफ डिलक्स या स्प्लेंडर प्लस,
स्प्लेंडर प्रो वाला लग जाता है, सुपर स्प्लेंडर का अलग आता है। तो हम एचएफ डिलक्स का क्लच केवल आप लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लच केवल आप फिटिंग करते हैं। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे निकाले हैं वैसे ही हम इस रस्से फंसाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये निकाले हैं तरफ फंसाएंगे, यहाँ से फंसाएंगे, और यहाँ फंसाने के बाद में जैसे यहाँ से आया था दोस्तों वैसे ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको हम दिखाए पाए तो देखिए, जैसे कि यहाँ से अगर आए तो देखिए यहाँ पर आ चुका है जो हमारा केबल है। यहाँ पर देखिए आ चुका है, यहाँ से देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो इसको फिर अब जैसे इसको निकाले हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से जैसे यहाँ पे कट बना हुआ है, वो कट में ये जो नोकलोली है जो कट बना हुआ है इसमें आप फंसा सकते हैं। ऐसे देखिए ये हमारा क्या गया दोस्तों, फंस गया। फंसाने के बाद जैसे इसमें कट बना हुआ रहता है, आर पार हो जाता है, और आर पार होने के बाद इस तरह से आप क्या कीजिए, अच्छी तरीके से फंसा दीजिए इसको कट में बनाकर, और इसको प्रेस करके यहाँ से आप रबड़ को पैक कर दीजिए। यहाँ से हमारा काम हो गया। और यहाँ से होने के बाद में दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता होगा जैसे निकाले हैं हम वैसे ही इसको हम लगा देंगे यहाँ से पहले लगा, और इस तरह से आप लगाकर ऐसा निकाल सकते हैं। निकालने के बाद भी इसको इस तरह से आप यहाँ पे फंसा सकते हैं। फंसाने के बाद में दोस्तों और यहाँ से आप जैसे कि इधर से निकाले हैं तो इस साइड से आप इसको फंसा देंगे, और पूरी फुल रखेंगे नट को। अगर नया केबल लगा रहे हैं तो, या पुराने लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इंस्टॉल करने का। और यहाँ से आप फंसा सकते हैं, देखिए यहाँ से दोस्तों। निकालने में जितना आसान मुश्किल था उतना लगाने में मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये लगाने में आसान रहता है। और इसको हम टाइट कर देंगे, चलिए दोस्तों अब इसको एडजस्ट कर लेंगे, टाइट है या लूज है दोस्तों। अगर टाइट करने के लिए आपको बीच जैसे ही टाइट करेंगे तो स्टार्ट बाइक करने पर थोड़ी सी छूटना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी हमें क्लोज लग रहा है, टाइट है, थोड़ी सी हम इसको लूज कर देंगे। चलिए दोस्तों ये हमारा नट जो वो परफेक्ट हो गया, क्लच हमारा ओके है बिल्कुल दोस्तों। इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्लच केवल एचएफ डिलक्स बाइक का। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।